राशन दुकानें होती थी तो लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाइयाँ होती थी, लेने में कठिनाइयाँ होती थी और तमाम प्रकार के उनके ऊपर लांछन लगता था। तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के इस कार्यकाल में अन्नपूर्णा भवन उस ग्राम सभा में बनवा करके और वहाँ मशीन लगवा करके जो घड़तौली हुआ करता था उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो लाभार्थी आएगा वो अपना अंगूठा लगाएगा, उसमें पर्ची निकलेगी और जो उसका यूनिट होगा उसी अनुसार उतना ही राशन उसको मिलेगा। इसी नाते आज जो यहाँ माने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लखनऊ से लोक भवन में से उन्होंने जो वर्चुअल आज अन्नपूर्णा भवनों का उन्होंने लोकार्पण किया, उसी के तहत आज ग्राम सभा भगवानपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बैतुल्ला के अध्यक्षता में माननीय CDO साहब और DC मनरेगा माने जो है सरकारी अलमा आकर के आज यहाँ उद्घाटन समारोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए हैं, जिससे जो राशन धारक हैं उनको समय से और पूरा राशन उन्हें मिले। आज इसी के तहत हम लोग यहाँ जो है इस भवन का लोकार्पण करने आए हैं। क्या आरोप लगता था, लोग जनता आरोप लगाती थी कि आधा किलो एक किलो कूड़ेदार काट रहा, क्या उससे जनता को निजात मिल जाएगा? इसी नाते तो ये जो है अन्नपूर्णा भवन बना है, यहाँ मशीन लगी है, अंगूठा लगाएंगे, पर्ची निकलेगा उनके यूनिट का, कहे कितना यूनिट उनका, उस अनुसार से वो ये घर तौल और सारी चीज़ वो ख़त्म हो गया किया था। इनमें से 75 पे काम शुरू हो गया, 4-5 जगह पर जमीन का इश्यू है उसको हम रिजॉल्व करा रहे हैं और उनमें से लगभग 28 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी निर्माणाधीन है जो हमें उम्मीद है कि हम इस मार्च महीने में उनको पूरा कर। सर, अन्नपूर्णा भवन मतलब जनपद के सभी ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों में लक्ष्य है। पहले फेज में 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसे मनरेगा के तहत 80 हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जो आगे आने वाले साल रहेंगे उसमें और ग्राम पंचायतें चिन्हित की जाएंगी और ऐसी जगह चिन्हित किया जाएंगी जहाँ पर जो गांव के करीब हो और जहाँ पर जो इसका मटेरियल है वो आसानी से आ जा सके। सर, अनाज के अलावा अन्नपूर्णा भवन में और कौन सी सुविधाएं? वहाँ जनसेवा केंद्र के रूप में भी अन्नपूर्णा भवन काम करेगा और भी जो गांव की जरूरत की वस्तुएं हैं वो कुटेदार के माध्यम से प्राप्त होंगी।